शबे बारात के मद्देनज़र बुलंदशहर पुलिस ने सभी जनपद वासियों से अपने घरों में रहने की अपील की है। घर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित है, कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकलें। शबे बारात के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए एसएसपी द्वारा जनपद के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के माध्यम से भी अपील कराई गई है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों से अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ने को कहा गया है। और क्या अपील की है जिले के कप्तान ने, सुनिए जरा। देखिए, शबे बारात को लेकर के पूरे जनपद में लाउड स्पीकर के माध्यम से और धर्मगुरुओं के माध्यम से हम लोगों ने प्रसारित किया है कि किसी तरह की भीड़ भाड़ सड़क पर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने घरों के अंदर अपने धार्मिक पर्व त्यौहार को मनाएं, और बड़े पैमाने पर इस बात को प्रचारित भी किया जा रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि लोग इसका अनुपालन करें। नगर काजी की ओर से एक अपील पूरे शहर में जारी की गई है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भी इसी बात की अपील की है कि लोग जो है इस त्यौहार को अपने घर में रह करके मनाएं। इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए बुलंदशहर पुलिस और प्रशासन आप लोगों से अपील कर रहा है, और आज शबे बारात के पर्व पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सभी लोगों से घरों में रहकर इबादत करने की अपील की है। मैं मोहम्मद आरिफ कासमी, इमाम शाही जामा सिकंदराबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जैसा कि सभी को मालूम है, कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन है। हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, और जो कि शबे बारात का मौका है तो इसमें भी हमें अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है, कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना है। मैं अपने जवानों से, सभी भाइयों से ये अपील करता हूँ कि इस लॉकडाउन का पूरा लिहाज रखें, और जान की हिफाजत चूँकि फ़र्ज़ है, इस्लाम भी कहता है, इसलिए हर एतबार से हमें जो भी करना है अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है, और कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना है। ये मेरी सबसे अपील है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। हाँ, हमने यहाँ अपनी मस्जिद से ऐलान भी किया है, सभी के लिए गाइडलाइन जारी की है कि अपनी इबादत को अमल रहकर ही करें। ये प्रचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और इस प्रचार का विशेष कारण लॉकडाउन के बीच आया शबे बारात का पर्व है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग रात भर जागकर इबादत करते हैं, जबकि बहुत से युवक और बच्चे रात भर सड़कों पर भी घूमते देखे जाते हैं। टाइम 24 भी आपसे अपील करता है कि जब आप घरों में नमाज पढ़ें तो 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, और शांतिपूर्वक शबे बारात का पर्व अपने घरों में मनाएं। शबे बारात के इस पर्व पर बुलंदशहर एसएसपी ने सभी लोगों से अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ने और इबादत करने की अपील की है। साथ ही एसएसपी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा लोगों से अपील कराई गई है कि अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, मस्जिदों की ओर रुख ना करें, जितना हो सके उतने अपने घरों में रहकर इबादत करें। ये लॉकडाउन की वजह से ये प्रचार किया गया है, और ये प्रचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बता दें, जनपद की पूरी पुलिस फोर्स ये ऐलान कर रही है कि लोग अपने घरों में रहें। आज ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ये ऐलान, ये अपील की जा रही है कि बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आपको नमाज़ पढ़नी है या कोई भी काम है तो अपने घरों में रहकर करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो अपील की गई है, वो अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से महामारी फैली हुई है, इसको लेकर ये लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के मद्देनज़र ही लोगों से अपने घरों में रहकर इबादत करने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन और सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।